अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं ये समझ चुका हूँ कि आपको भी ऐप्स बनाने हैं और ये मेरा ऐप्स वर्कआउट का वीडियो आपको ऐप्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडमिल पे दौड़ना है 5 से 10 मिनट कंटिन्यू। उसके बाद आपको रोलिंग पैड पे 5 मिनट देने हैं और अच्छे से सेट को परफॉर्म करना है, ब्रीथ को आउट करते रहना है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे सेट लगाना है। आप फ्लैट भी लगा सकते हो और ज़मीन पे या फिर बेंच की सहायता से लेग रेजेस 15-15 के 3 सेट। फिर नेक्स्ट सेट को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा रैप रहना चाहिए, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन। फिर नेक्स्ट सेट को हम कुछ इस तरह से फॉलो करेंगे और ये लोअर और अपर रैप्स के लिए बहुत कारगर सेट है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना हो सके आपको स्लो लेना है, ब्रीथ को आउट करते रहना है। जितना आप स्लो लगाएंगे एप्स पे उतना अच्छा असर पड़ेगा, और आपको पता है एप्स की बहुत छोटी मसल्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेट वही हमने रिपीट किया है, लेग रेजेस कुछ एक रैप अलग से ऐड किया था। तो फिर आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें आप देख पा रहे हैं एप्स का मूवमेंट कैसे होता है। इधर फिर स्टार्ट कर रहे हैं सेम वही सेट, देख सकते हैं आप लोअर और अपर एप से बहुत अच्छा लोड जा रहा है, क्योंकि ये सेट पहले आपने देखा होगा। तो फिर मैं टी शर्ट नहीं पहने था, ये विदाउट टी शर्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप देख के समझ रहे होंगे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, फुल इफेक्ट पड़ता है आपके लोअर और अपर एप पे। फिर लास्ट में उसी सेट को परफॉर्मेंस किया गया है, जितना स्लो हो सके इस सेट को उतना स्लो परफॉर्म किया करो। वर्कआउट अच्छा लगा हो लाइक कर देना।